नंबर सिक्स देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। पहले तो सबसे पहले एक सर्कल बनाता हूं, तब बात समझ में आएगी। ये एक सर्कल बनाया मैंने और इस सर्कल से द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, कोई एक पॉइंट है ए, वहां से टेंजेंट की जो लेंथ है एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये जो पॉइंट ए है ये सेंटर से कितनी दूर है? 5 सेंटीमीटर। और ये जो टेंजेंट की लेंथ है ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, ये हमें निकालना है। ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने घुमा कर रख दिया। फ्रॉम अ पॉइंट ए लेंथ ऑफ टेंजेंट विच इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, विच इज कौन ए इज 4 सेंटीमीटर। पहले जो लेंथ जो वो बता रहा है उसको बाद में दिया हुआ है उसने। उसने क्वेश्चन को कैसे कहा है, ए से जो टेंजेंट है जो कि ए से कितना दूर है सेंटर, ए सेंटर से कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो लेंथ है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो वो रेडियस पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब आप जानते हैं ये 90 डिग्री है तो रेडियस निकाल देंगे। कैसे निकालोगे? बाय कौन से ट्राइंगल में लगाओगे? ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, लगाइए 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट करता हूं, 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? 25, ये 16, उधर जाकर माइनस हुआ तो इधर रूट आ गया तो आर की वैल्यू निकल गई। ठीक है, ये बिल्कुल आसान वाला एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 6। सेवेंथ नंबर देखिए, ये एक और आसान वाला दे दिया। टू कोसेंट्रिक सर्कल आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाओ, इसके बाद एक और सर्कल बनाओ उसी सेंटर से, तो ये कैसे बन गए? कोसेंट्रिक सर्कल। एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए ये 5 है और ये 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ओके, निकाल देंगे। एक कोई कॉर्ड है ये, ठीक है, इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है आपको। ये टच कर रही है ना स्मॉलर वाले सर्कल को, ये इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है आपको। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ये सेंटर है तो इस सेंटर से यहां पर अगर हम लेंथ गिराएंगे तो ये कितना आएगा? 90 डिग्री। ओके, ये आप जानते हो ये रेडियस है आउटर वाले सर्कल की, कितनी? 5 सेंटीमीटर। और ये भी आप जानते हो ये कितना है, है ना? ये समझ में आ रहा है, आउटर वाले के लिए ये रेडियस है, ये अंदर वाले के लिए रेडियस है और ये लेंथ हमें निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ट्राइंगल कौन सा? ओ ए एम। इस ट्राइंगल में 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 3 का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। यहां से ये 25, 9 ए एम स्क्वायर, ये 9 इधर जाकर माइनस 16 अंडर रूट 4 सेंटीमीटर। ये आपने मुझे किसकी वैल्यू निकाल कर दे दी? ए एम की। अब हम ये भी जानते हैं, हमें क्लास 9th में पढ़ा है कि यहां पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर ही नहीं होता, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ए एम और एम बी आपस में, या हम ये कह सकते हैं कि ए बी किसका ट्वाइस रहा होगा, तो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम, 2 × 4 या आंसर 8 सेंटीमीटर। तो इस कॉर्ड की लेंथ जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रही थी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। समझ आ गया कैसे किया?
बिल्कुल आसान है। देखिए एक और आसान वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8th, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अच्छा एक फिगर ये गिवन है, इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी, और इसमें एक सर्कल भी बनाया है, ये सर्कल ही मान लेना है, नहीं मतलब मान लेना थोड़ा सा मुश्किल है, और ये एस, ये क्या है पी, ये क्या है क्यू, और ये आर। ओके वी हैव टू प्रूफ ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल, ए डी प्लस बी सी, ये हमें दिखाना है। ठीक है बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, ये देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी सी दिखाना, ठीक है बिल्कुल आसान है। ये ए क्या है, ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सबको दिख रहा होगा ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो हमने थ्योरम पढ़ी है कि ए से जो डिस्टेंस जाएगी यानी कि ये जो टेंजेंट है ये आपस में इक्वल होंगे, तो ए पी इक्वल होगा ए एस के। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये वाली कहानी आपको यहां लिखनी है। ठीक है ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा पॉइंट बी क्या है, हाँ पॉइंट बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर पॉइंट बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी पी किसके इक्वल होगा, बी क्यू के, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू। फिर से वही आपको पूरी कहानी यहां लिखनी है, क्या लिखना है कि लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है ये आ गया। तीसरा सी क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट, अगर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं सी आर किसके इक्वल होगा, सी क्यू के, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है फिर से लास्ट डी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, वी कैन से इफ डी इज एक्सटर्नल पॉइंट देन डी आर इज इक्वल्स टू डी एस। सबके रीजन वही है, थ्योरम जो हमने पढ़ी है जो सेकंड थ्योरम हमने की है इस चैप्टर में वो, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, इन सारी इक्वेशंस को ऐड करा देना। ठीक है तो ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है करा दें, ऐड कराने पर देखिए क्या आएगा, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर, सीआर प्लस डीआर इक्वल्स टू, अब इस वाली साइड पर आ जाइए एएस प्लस डीएस, ये लिख सकता हूं एक साथ, मुझे ये चारों ऐड करने हैं लेकिन इनमें से पहले इसको लिख सकता हूं इसके साथ पेयर बनाने के लिए ए एस प्लस डी एस, और क्या ऐड हो रहे होंगे बी क्यू प्लस सी क्यू। ये समझ आया आपको क्या किया, ठीक। अब ए पी और बी पी मिलकर कितना ए बी बन गया, ठीक है ये ए बी आ गया। अच्छा सी आर और डी आर मिलकर, सी आर और डी आर ये सी डी बन जाता होगा इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस, ए एस डी एस, हाँ ये बन गया ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बन गया बी सी। ठीक ये प्रूफ हो गया। ठीक तो केवल क्या लेकर चल रहे थे, एक थ्योरम लेकर चल रहे थे कि अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये लेंथ इक्वल होंगी,
ये लेंथ इक्वल होंगी, फिर चारों को ऐड किया और हमने देखा ऐड करते ही ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो थ्योरम टू से ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एक फिक्स क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर है 9। इन फिगर, ओके, एक फिगर हमें गिवन है, वो फिगर सबसे पहले मैं बनाता हूँ। ये मेरे पास एक सर्कल है, इस तरह से सर्कल बनाया हुआ है, और एक टेंजेंट नीचे बनाया है एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स डैश वाई डैश, और एक और टेंजेंट ऊपर की तरफ बनाया गया है, ये है एक्स वाई। ओके, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये है सेंटर ओ। ओके, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट बनाना है ए बी लाइक दिस, ये है ए बी, ठीक है, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड बी। ओके, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, टू प्रूव एंगल ए ओ बी कितना 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए कैसे करेंगे, ए ओ बी, पहले तो मैं एंगल बना लूं, ये ए ओ बी, यहां से मैंने एंगल बनाना है ये और ये, वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल। ओके, ए ओ बी, ये एंगल बताना है मुझे कितना होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक डायमीटर खींच लेता हूं, ये डायमीटर ही होगा इस सर्कल का, और ये दिया हुआ है क्या, ओके, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये है पी और ये पॉइंट क्या है क्यू, ये फिगर अब बनकर तैयार हो गया। ठीक है, इस तरह से है, तो ध्यान दीजिए, यहां पर ये सेंटर है और ये एक टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, फिर से ये सेंटर है और ये एक टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये समझ आता है आपको। ठीक, सबसे पहली बात मैंने यहां पर यही लिख ली, प्रूफ करते हो आप, प्रूफ एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए कितना होगा 90 डिग्री, और ये वाली बात भी मैं लिख लेता हूं, ओ क्यू बी, एंगल ओ क्यू बी, ये भी मेरे लिए है 90 डिग्री। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां से इस लाइन को ज्वाइन करा देता हूं, ओ से सी को ज्वाइन करा दिया, जैसे ही मैंने ओ से सी को ज्वाइन कराया तो मेरे पास एक यहां पर लाइक क्वाड्रिलेटरल एक बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो इसमें आप देखो दो ट्रायंगल मेरे पास आ गए हैं, ट्रायंगल ओ ए पी, ये आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगल ओ ए पी, और आपको ट्रायंगल ओ ए सी भी दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों ट्रायंगल प्यारे बच्चों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, कॉन्ग्रेंट है या नहीं है वो मैं आपको दिखाता हूं, देखो कैसे है, ए क्या है एक एक्सटर्नल पॉइंट, तो ए पी किसके इक्वल होगा ए सी के, है ना, अच्छा, और ओ पी और ओ सी ये दोनों क्या है रेडियस, ठीक, और ओ ए क्या है कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पर मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूं, पहला ट्रायंगल है ओ पी ए, एंड दूसरा ट्रायंगल ओ सी ए। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में, अरे यहां से ये भी एक टेंजेंट ही था तो हम जानते हैं कि यहां भी क्या बन रहा होगा 90 डिग्री ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वन बाय वन, सबसे पहली चीज तो हम ले लेते हैं ओपी इक्वल है किसके ओसी के, ये क्या है रेडियाई, ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बताएंगे आप, ये ले लूं क्या मैं एंगल पी और एंगल सी, ये क्या है ईच, ये भी ले सकते हैं एंगल पी इक्वल टू एंगल सी ईच 90 डिग्री, और क्या ले लें, और ओ ए दोनों में क्या है कॉमन, कॉमन। ठीक है, तो ट्रायंगल
ओ पी ए क्या हो गया कॉन्ग्रेंट किसके ट्रायंगल कौन सा रूल लगा आर एच एस क्या क्या लिया गया सर राइट एंगल लिया गया हाइपोटेनस लिया गया और साइड तो आर एच एस रूल लगा इसमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो मैं कह सकता हूं कि बाय सीपीसीटी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे ये समझ आती है बात आपको ठीक है तो यहां पर इसका थोड़ी देर के लिए मैं नाम रख रहा हूं एंगल वन और इसका नाम एंगल टू ठीक है तो एंगल वन इक्वल होगा एंगल टू के बाय सीपीसीटी यहां तक तो बात समझ में आती है कि इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया और ये दोनों आपस में इक्वल है यहां तक कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों सेम काम यहां पर भी किया जा सकता ठीक है तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट फिर बाय सीपीसीटी ये लाया जा सकता है कि एंगल थ्री और एंगल फोर आपस में इक्वल होंगे ये बात आती है आपको समझ में ठीक बिल्कुल आसान है ऐसा करना तो मैं अब यहां पर सिमिलरली लिख रहा हूं सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्रायंगल ओसीबी क्या रहा होगा कॉन्ग्रेंट किसके ट्रायंगल ओक्यूबी के कौन से रूल से आरएचएस रूल से देन बाय सीपीसीटी वी कैन से एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर ठीक यहां तक बात आ गई समझ में कोई दिक्कत नहीं यहां तक अब इसके बाद आगे देखिए ये एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ओ अच्छा इसमें आपने एक चीज और देखी कि एक्स वाई पैरेलल है किसके एक्स डैश अगर एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के तो मैं ये कह सकता हूं कि ये यहां पर जो एंगल बनेगा और यहां पर जो एंगल बनेगा उन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री क्यों को इंटीरियर एंगल क्या बोलोगे को इंटीरियर एंगल ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और यहां पर बनने वाले एंगल को इंटीरियर एंगल होंगे है ना तो यहां पर मुझे सबसे पहली चीज लिखनी चाहिए एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल या इसको ऐसे लिख देता हूं ये ठीक अगर ये पैरेलल हैं तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इन सॉरी एंगल बी इनका सम कितना 180 डिग्री और ये है को इंटीरियर एंगल ठीक है या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ठीक है यहां तक बात आती है समझ में बट एंगल ए किससे मिलकर बना है एंगल वन और एंगल बट वन और टू तो आपस में इक्वल है तो क्या मैं एंगल ए को एंगल टू का ट्वाइस कह सकता हूं ठीक है इसी तरह से एंगल बी थ्री और फोर से मिलकर बना है बट थ्री और फोर क्या है आपस में इक्वल तो मैं एंगल बी को एंगल थ्री का क्या कह सकता हूं ट्वाइस ये समझ आता है आपको तो मैं एंगल ए को लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ एंगल टू और एंगल बी को लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री इक्वल्स टू कितना ये भी बिल्कुल आसान बात है इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है टू टू कॉमन लेकर मैंने उसको कैंसिल किया तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री कितना आ जाएगा 90 डिग्री ये समझ आ गई होगी बात ठीक एंगल टू और एंगल थ्री का सम कितना 90 डिग्री आ गया ठीक अब ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सबको इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी जब हम लगाएंगे तो एंगल टू और एंगल थ्री कितना है तो ये अकेला कितना आ जाएगा 90 डिग्री है ना यही हम करने वाले हैं तो देखिए ट्रायंगल ए ओ बी में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल टू प्लस एंगल ये वाला एंगल ए ओ बी प्लस एंगल थ्री इन तीनों का सम कितना 180 डिग्री आंसर एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक बट एंगल टू और एंगल थ्री ये दोनों मिलाकर कितने आते हैं 90 डिग्री तो यहां पर लिख दिया इन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री प्लस में क्या चल रहा है एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री ठीक है
यहां से 90 उधर जाकर माइनस होगा तो एंगल AOB कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। जी समझ आया? तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया वो एक बार देखते हैं। इस फिगर में ही समझाया जा सकता है पूरे क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले ये फिगर हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन होता है, हमें क्या करना है, हमने यहां से एक लाइन खींची, ठीक है, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जब मैं ओ से ए को मिलाता हूं तो दो ट्रायंगल बन जाते हैं। ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रेंट, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, एक बात। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं तो हम इसको बाद में ये कह पाएंगे कि एंगल बी जो है ये कंप्लीट एंगल, इसका क्या रहा होगा? ट्वाइस। सिमिलरली एंगल ए को कह पाएंगे कि एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल टू। बट एंगल ए और एंगल बी मिलकर कितना बनाते हैं? 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा? क्यों होगा? क्योंकि एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, तो ये 180 है। यहां पर इसको इसका ट्वाइस लिखा, टू दोनों में से कॉमन लेकर डिवाइड किया तो यहां 90 आ गया। अब अगर देखें तो इस ट्रायंगल में अगर इस एंगल का और इस एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो ये अकेला एंगल कितने का होता होगा? 90 डिग्री का। ये समझ आ गया? इस तरह से करते हैं इस क्वेश्चन को। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। इस बात का मीनिंग क्या है पहले तो ये आपको समझाता हूं। मेरे पास एक सर्कल है और उस सर्कल में सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, ठीक है। उस पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए गए, एक ये टेंजेंट बनाया गया सपोज करिए और एक ये टेंजेंट बनाया गया ऐसा, ठीक। क्वेश्चन में उसने कहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट कहां है बताइए? ये एंगल है ना, तो ये एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इसके बीच में ये एंगल। पढ़ता हूं आगे। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, किस एंगल के साथ? टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर। यानी कि इसके सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने पर जो एंगल बनेगा उसके साथ ये एंगल कैसा है? सप्लीमेंट्री। इस बात का मीनिंग यह है कि इस एंगल और इस एंगल का सम हमें क्या शो करना है? 180 डिग्री, ठीक है। ये बात आ गई समझ में? तो यहां पर इनका कुछ नेमिंग कर लेते हैं। ये है सपोज करिए ए बी ओ सी और यहां से इन दोनों का सम मुझे दिखाना है 180। चार साइड हैं, ओके, ये तो हो जाएगा बड़े आसानी से। कैसे? यहां पर प्रूफ, सबसे पहली चीज तो गिवन क्या थी? ए वी एंड ए सी आर टेंजेंट। ये तो मैं सबसे पहली चीज लिखूंगा गिवन में, ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट, ठीक है। और टू प्रूव, प्रूव मुझे क्या करना है वो मैं यहां पर इनके नाम दे देता हूं। ओके, एंगल ए प्लस एंगल ओ, इनका सम कितना? सप्लीमेंट्री प्रूफ करने हैं। अब प्रूफ देखिए आप, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है। चार साइड का एक पॉलीगन है, ठीक है, इसका नाम क्वाड्रिलेटरल रखा मैंने। तो मैंने कहा ए बी ओ सी, ए बी ओ सी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि इसके चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री, ठीक है।
तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल्स ऑफ आर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब एंगल ए ये हमें पता नहीं, बट एंगल बी कितना होगा क्योंकि ये एक टेंजेंट है और ये सेंटर से लाइन आई है। ठीक है, तो यहां पर लिख लिया 90 प्लस एंगल ओ पता नहीं और एंगल सी कितना 90 और 90 180 उधर जाकर माइनस हो गया, कितना आएगा इधर, क्या बचा ये प्रूफ हो गया। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि कहीं भी दो टेंजेंट अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए जाते हैं तो उनके बीच का एंगल, ठीक है, उनके बीच का एंगल और सेंटर पर बनने वाला एंगल, इनका सम ऑलवेज कैसा होता है, ये आप एज अ थ्योरम ट्रीट कर सकते हैं।